जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे आप सभी। मैं हूँ डॉक्टर पूनम। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम राशि फल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ पंचांग की। आज शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि, दसवीं तिथि है और शाम के बाद में एकादश तिथि लग जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र है, राहुकाल का समय है 3 बजे से लेकर 4:30 तक दोपहर को। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं स्टार्ट करते। अभिजीत मुहूर्त है 11:30 से 12:25 तक। कोई भी अच्छा काम आप इस समय में शुरू कीजिए, आपके काम बनते चले जाएंगे। आपने आज क्या करना है, माँ भगवती के मंदिर जाकर के माँ को लाल पुष्प अर्पित करना है, आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। और लाल अगर आपसे सिंदूर आपके पास में है तो वो माता रानी के आपने क्या करना है, माथे पे लगाना है और उसके बाद में अपने माथे पर भी स्पर्श कीजिएगा, आपके सभी काम बनते ही चले जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। इतने दिनों से आप जिस काम के लिए, जिस आपकी प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन करना चाहते थे, आज वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। योजना अगर आपने कोई बनाई है, कोई अड़चन आ रही है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में, अपनी आप पॉजिटिव एनर्जी ऑरा के साथ में उस योजना को पूरी कर सकते हो, समस्या का समाधान कर सकते हो। और ये जो कंडीशन है ये सभी पर लागू होगी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने सीनियर्स की, टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा और थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में आप काम करिएगा, वर्क करिएगा स्टडी पर, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो आप किसी अपने अच्छे मित्र के साथ में, जो अनुभवी हो और आपका विश्वास प्रिय हो, उससे सलाह लेकर के अपनी जो भी आपके लविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आप टेलीफोनिक के ज़रिए में उसे सॉल्व कर सकते हो। आप अगर मैरिड लाइफ में हो तो सेम कंडीशन बनती है, सावधानी पूर्वकता से अपने रिश्ते को बचा लीजिए, जो भी मुश्किल आ रही है आपकी लाइफ में उसको सॉल्व कर लीजिए। अपने प्रयोजन आप खुद तक रखिए, अपनी बातें ज़्यादा अननोन पर्सन के आगे में मत रखिएगा, अदरवाइज नेगेटिविटी बढ़ती है। आपकी जो भी समस्या है वो आप 10 जनों को बताओगे तो वो समस्या और 10 से 20 से 30 से 40 से बढ़ती चली जाएगी। अपने प्रॉब्लम्स को अपने तक रखिए। वर्किंग प्लेस में आपको सहयोग मिल सकता है, इसे कहते हैं भाग्य का साथ होना। आपके अपने कोई भी मित्र आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको आज आमदन आएगी, प्रॉफिट आएगी, आपको कोई पैसों की तरफ से आज तंगी नहीं आएगी, लेकिन आपने क्या करना है, बहुत सोच समझकर पैसे लगाने हैं कहीं पर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शेयर मार्केटिंग हो, या किसी को उधार देना हो। उधार देने से बचिएगा, व्हीकल सावधानी से चलाइएगा, ज़्यादा किसी की बातों में मत आइएगा, खुद की मर्जी करिएगा, फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। मन शांत रह सकता है, परेशानियां आपको घेर सकती हैं, कहीं ना कहीं से एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, लेकिन आप बहुत पेशेंस रखते हुए, अपने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप में ये एनर्जी है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। आँखों की समस्या आपको हो सकती है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी लो हो सकता है आपका, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स खाइए और पानी पीजिए, सही रहेगा आपके साथ में सब कुछ। आपका लकी नंबर 3 है और लकी कलर ब्राउन है। मेष राशि के बाद में बात कर लेती हूँ वृषभ राशि की। आपके जो भी प्लानिंग्स आपने पेंडिंग रखे हुए थे, जो भी काम आपके पेंडिंग थे, वो आज आप किसी मित्रजन की सहायता से पूरे कर सकते हो। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, वर्किंग प्लेस में बॉस आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अपनी पत्नी की बात मान करके, बात मानने का मतलब है कि मतभेद ना करते हुए, उनको प्रसन्नचित रखते हुए घर से निकलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो आज आपकी सफलता निश्चित है। आप अगर लविंग रिलेशनशिप में हो तो प्रेमिका के साथ में आप बिल्कुल भी लड़ाई मत करिएगा, अदरवाइज मतभेद बढ़ जाएंगे, ब्रेकअप की पूरे चांसेस दिखते हैं। स्टूडेंट्स का मन भटकेगा, आपने क्या करना है, मेडिटेशन थोड़ी देर पढ़ाई से पहले आप कर लीजिएगा, ध्यान लगा लीजिएगा, माँ सरस्वती का ध्यान लगाइएगा, आपकी पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। वॉकिंग प्लेस में हो तो आपने सावधानी से अपना काम पूरा करवाना है, क्योंकि सिचुएशन आपके पक्ष में है, लेकिन हो सकता है कि आप ही की लापरवाही की वजह से आप उस सिचुएशन को हाथ से खो बैठे, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हमें
लगे कि सामने वाले से हमारा मतलब निकल रहा है तो सिचुएशन को संभालते हुए अपना काम निकलवाइए, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इस समय में कोई मतलब नहीं रखती ये बात आपके लिए। क्योंकि अगर आप सच्चे हो, आप चाहते हो कि जीवन में आगे बढ़ना है, तो बदलाव के साथ साथ में आपको खुद का मन भी मजबूत बनाना होगा। मैरिड लाइफ सही रहेगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, प्रॉब्लम जो भी होगी आपकी तरफ से होगी, तो आप अपने आप को संभाल लीजिए, सब कुछ सही नज़र आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इशू नहीं नज़र आता, पैसे का देन लेना बड़ी सोच समझ के करिएगा, अदरवाइज आपके पैसे डूब जाएंगे। पुराना रोग आपको हो सकता है, व्हीकल आपने सही सलामत देख कर चलानी है, अदरवाइज चोट चपेट की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और पुराना पैसा आपका कहीं फंस गया था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। धन की मतलब कि आपको कोई कमी नहीं होगी। अब मैं वृषभ राशि के बाद में बात कर लेती हूँ मिथुन राशि की। आपने जो भी काम सोचा है इस चीज़ को आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई आपके मित्र हेल्प कर देंगे, आपके परिवार वालों का साथ मिलेगा, अपनी माता के साथ से आप कोई भी काम आगे कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिएगा, आज आपके घर में कोई छोटे नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की अनुमति हो रही है, हो सकता है पुत्री का आपको सुख मिले जिसके लिए आप बहुत दिनों से बेताब थे। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपको, अगर आप कंसीविंग करना चाहते हो तो ये दिन आपके लिए सही है। लविंग प्रपोज किसी को कर सकते हो, लविंग रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स से आज बात कर लीजिए, समय बिल्कुल सही है। छोटे घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत थोड़ी सी खराब होगी, उनको ORS का घोल वगैरह दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए, गर्मी बहुत है, उनकी तबीयत सही हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं वॉकिंग एरिया की, तो थोड़ी सी आपने सावधानी से चलना है, रुके हुए पैसे आपके मिल जाएंगे, जो आपकी खुशी इतने दिनों से बेचैन थी, मन अशांत था, शांत रखिए अपने आप को, आपके सभी काम हो जाएंगे। किसी पुराने मित्र के साथ मिलके आप अपना लाइफ टाइम इंजॉय करोगे, वैल्यूबल मोमेंट्स आपके आज बनेंगे। लविंग पार्टनर के साथ में भी शाम के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात मधुरता में बदल सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में भी आज का दिन आपका सही रहेगा। बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटकेगा, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें संभाल लें। आपका जो लकी कलर है पिंक है और लकी नंबर 8 है। मिथुन राशि के बाद में बात कर लेती हूँ कर्क राशि की। आपका आज गोल्डन पीरियड वाला दिन है, आप अपनी सहायता से, अपने फ्रेंड्स की सहायता से कोई भी काम को, कोई प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी और सफलता के बाद में आप उसमें अच्छा धन भी कमा सकेंगे। माता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलेंगे, दही और चीनी खाकर आज घर से बाहर निकलेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, कहीं ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपके लिए ये दिन बहुत सही रहेगा। अपनी भावनाओं को वर्किंग प्लेस में ज़्यादा शो अप मत करिएगा, इमोशनलिटी से अगर आप कोई भी आज डिसीजन लोगे तो उसमें बाद में आपको लॉसेज होंगे। पैसा अगर आप लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, षड्यंत्र आपके वर्किंग प्लेस में आज हो सकता है, सिग्नेचर्स बहुत देख के सोच समझ के करिएगा। अगर आपके बिजनेस पार्टनर है और वो कहीं पैसा लगाने के लिए आपको बोल रहे हैं, कहीं आपने पैसा, आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, इस चीज़ का आपने बहुत सोच समझ कर किसी एक्सपीरियंस फंड की सलाह लेकर आज आपने अपने डिसीजन लेने हैं लाइफ के, आपके लिए सही रहेगा। लविंग रिलेशनशिप का भी टाइम सही है और मैरिड लाइफ का भी हम देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपका अपना ही आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी मतभेद क्रिएट कर सकता है, तो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने रिश्ते को बचाइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स सही तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इलीगल कोई भी काम मत करिएगा, अदरवाइज आप अगर दो पैसे कमा रहे हैं तो कल को आपको जुर्माना ज़्यादा पड़ सकता है। अगर आपके कोई गैरकानूनी काम में आप फंसते हो तो कल को कोर्ट केसेस से आपको निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी के वाद विवाद में आज पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, सलाह किसी से लेकर के चलिएगा, किसी को सलाह दीजिएगा मत। आपका जो लकी कलर है वो है रेड और आपका लकी नंबर है 4। कर्क राशि के बाद में बात कर लेती हूँ सिंह राशि की। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, आपने अपने पर विश्वास रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपना काम खुद करना है, मन की बात आपने किसी से ज़्यादा जाहिर नहीं करनी है, आप अपने पराक्रम के बल से सब कुछ पालेंगे, छोटे भाई बहनों की मदद करिएगा, उनकी खुशी से आज आपके काम बनते चले जाएंगे।
इसके साथ ही आपने क्या करना है, सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, ताकि आज आपका जो एक्स्ट्रा क्रोध आप में आएगा, मन अशांत सा रहेगा, इन चीज़ों को आप सॉल्यूशन सिचुएशन को संभाल सके। लविंग रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप बच जाएगा, मैरिड लाइफ में हो तो पति पत्नी के बीच में मतभेद होने से बच जाएंगे, स्टूडेंट हो तो मन भटकने से बच जाएगा, वर्किंग प्लेस में हो तो किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, अगर कोई परेशानी उलझन आ रही है तो वो खुद ब खुद ही निकल जाएगी, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो तो मान सम्मान इज्जत की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये छोटे छोटे से फ्रेंड्स उपाय होते हैं जिसके कर लेने से हमें सफलता मिल जाती है। आपने क्या करना है, भोले बाबा के मंदिर जाके, शिव जी मंदिर जाके लाल रक्त चंदन से राम का नाम लिखना है शिवलिंग पर, या फिर अगर आपके घर पे रक्त चंदन है वो आपने अपने माथे पर निकाल लगा करके आज अपने काम पर जाना है, आपके सभी काम बन जाएंगे। लापरवाही आप बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत ले लीजिएगा, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपका लकी कलर ऑरेंज है और लकी नंबर आपका 4 है। सिंह राशि के बाद में अभी बात कर लेती हूँ कन्या राशि की। आज आपका दिन बहुत सही है, आपके अनुकूल की चीज़ें होने वाली हैं जो आप सोच रहे हो, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, जो क्वालिटी आपकी है उस विश्वास के साथ आपने अपना काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपना काम कर रहे हो तो दूसरा तीसरा कोई भी इंसान आपको डीमोटिवेट करे, बट आपने अपने काम अपने लक्ष्य की ओर ही चलना है, अनसुनी करके बातें आप चलिए, क्योंकि जब आपको सफलता मिल जाएगी तो सामने वाला खुद ब खुद चुप हो जाएगा। किसी को बोलने से बेटर है कि आप अपना काम करते रहिए, सावधानी आपने थोड़ी सी बरत लेनी है। कुटुंब में आज आपका अच्छे से टाइम स्पेंड होगा, नए नए व्यंजन आप इंजॉय कर सकते हो, अच्छी अच्छी डिशेस खाएंगे आज आपके दिन। लेकिन आज आपने क्या करना है, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाइएगा, अदरवाइज आपको हेडेक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बैकबोन भी आज प्रॉब्लम कर सकती है आपको, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। वाणी पर आपने सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है, अदरवाइज इंजॉयमेंट का माहौल होगा उसमें आपकी वाणी कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप खुशी खुशी में किसी को कुछ कहेंगे तो वो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। पुरानी समस्याओं को अभी मत सामने लेकर आइएगा, जो हो गया बीत गया वो उसे छोड़ करके आप जो चल रहा है और जो आगे होगा उसके बारे में सोचिए, सही रहेगा। पुराने अगर आपके कोई पैसे फंसे थे वो आज आपको मिल जाएंगे, और आपने क्या करना है, सावधानी पूर्वकता से अपने रिलेशनशिप बचाने हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपने सावधानी रखनी है, आपको हेल्प मिल जाएगी आपके सीनियर्स की, टीचर्स की, आपके पेरेंट्स के द्वारा भी आपकी मदद आपको मदद मिल जाएगी। लविंग पार्टनर जो है कहीं छोटी मोटी ट्रिप पे घूमने जा सकते हैं आज के दिन में, टाइम स्पेंड सही रहेगा आपका। एंड जो मैरिड लाइफ है वो भी आपकी सही रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, लड़की पक्ष से लड़की की माँ की तरफ से कोई भी इशू अगर हो तो आप संभाल लीजिएगा खुद ही, आपको चाहिए कि सही तरीके से अपना घर संभालें और सिचुएशन को संभालें। आपको स्किन की छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आज के दिन में, स्किन बर्निंग के इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम थी तो वो ज़्यादा हो सकती है, तो आपने क्या करना है, नीम की पत्तियाँ ला के उबाल करके वो अपने स्किन पर आप लगाइए, या फिर आप उस पानी से सुबह नहाइए, आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सब कुछ लाइफ में सही होता है। वॉकिंग प्लेस में भी आपने सोच समझ करके काम करना है, सावधानी से रहना है, हालांकि वहां पर सभी आज आपका साथ देंगे, सहयोग मिलेगा, बट आपने इस सहयोग का गलत मतलब नहीं निकालना है और सबकी हेल्प करनी है। आपका जो लकी नंबर है वो 1 है और लकी जो आपका कलर है वो वाइट है। ओके फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आगे की वीडियोस में मैं आगे की राशियों के बारे में बात बताऊंगी, अपना सभी ख्याल रखिएगा।